खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार और पवन सिंह की फिल्म लोहा पहलवान, जी हाँ, दोनों ही छठ के मौके पर रिलीज हो रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि निरहुआ के भी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 छठ के मौके पर रिलीज हो रही है। अब भोजपुरिया दर्शकों के लिए ये बड़े ही इम्तिहान की घड़ी है। ये तीनों फिल्म जो एक से बढ़कर एक है और तीनों सुपरस्टारों की फिल्म है, वो कौन सी फिल्म देखें और कौन सी ना। वैसे भी खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार के इन दिनों काफी चर्चाएं हैं और लोहा पहलवान ने अपने लिए पहले ही सुर्खियां क्रिएट कर ली है। वैसे लोहा पहलवान और खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये कि खेसारी लाल यादव इस फिल्म में एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, तो सेम पवन सिंह अपनी फिल्म लोहा पहलवान में भी एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। इन दोनों फिल्मों से उलट निरहुआ हिंदुस्तानी 3 एक पारिवारिक फिल्म है और इस सीरीज की दोनों फिल्में सुपरहिट रही हैं, इसलिए दर्शक निरहुआ हिंदुस्तानी 3 देखना तो पसंद करेंगे ही। लेकिन अब बात अगर खेसारी लाल यादव के दबंग सरकार की हो जाए तो भाई खेसारी लाल यादव की इन दिनों सारी फिल्में सुपर हिट हो रही हैं और इस फिल्म में उनके लुक्स पर काफी एक्सपेरिमेंट किया गया है। साथ ही साथ फिल्म के पोस्टर एक से बढ़कर एक रिलीज किए जा रहे हैं। जिसे देखते ही दर्शकों के मन में फिल्म को लेकर अच्छी खासी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। बात अगर लोहा पहलवान की कर दी जाए तो भाई पवन सिंह की ऐसी कौन सी फिल्म है जो सिने प्रेमी सिनेमा घर में जाकर देखना पसंद नहीं करेगा। वैसे जितनी असमंजस की स्थिति आपके लिए है, उतनी ही असमंजस की स्थिति इन तीनों स्टार्स के लिए है। हर कोई चाहेगा कि उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे और उसकी फिल्म को फायदा भी हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।